मथुरा के सरकारी संग्रहालय में एक बंगाली भाषा में लिखा हुआ पत्र रखा हुआ है। पत्र बंगाल के एक व्यक्ति ने अपने गुरु को लिखा था, जिसने छिपकर कृष्ण और राधा को रास रचाते हुए देख लिया था। इस पत्र में लिखा है, गुरुजी आप कहते थे कि निधिवन में भगवान रास रचाते हैं, लेकिन मैं आपकी बात पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन जब मैं निधिवन में रात को रुका तो साक्षात बांके बिहारी का राधा रानी व गोपियों के साथ रास रचाते हुए दर्शन किया। अब मेरे जीने की कोई इच्छा नहीं है, मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे यह संसार तुच्छ है। वह व्यक्ति 3 दिन तक बेसुध जमीन पर पड़ा था। निधिवन से निकलने के बाद उसने खाना पीना छोड़ दिया था और गुरु को पत्र लिखकर उसने प्राण को त्याग दिया था। मान्यता है कि निधिवन की सभी लताएं गोपियां हैं जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ी है। जब रात में राधा रानी जी और बिहारी जी रास लीला रचाते हैं तब वहां की लताएं गोपियां बन जाती हैं। रासलीला इस लौकिक जगत की लीला नहीं है, बल्कि यह अलौकिक है जिसे सांसारिक लोग नहीं देख सकते। कहते हैं कि रात होते ही निधिवन में रहने वाले बंदर पशु पक्षी सब बाहर निकल जाते हैं। जमीन पर रेंगने वाले कीट जमीन के अंदर समा जाते हैं।